नमस्कार क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास ट्वेल्थ टॉपिक था हम लोगों का क्या बच्चे, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था। लास्ट कंटेंट हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट वन पार्ट टू, दो वीडियो मैंने आपको दिया था, एक राउंड्स ला का आइडियल सॉल्यूशन से और एक मैंने आपको बन रखा था नॉन आइडियल की पहली कंडीशन जब आप पॉजिटिव डेविएशन में चल रहे थे। तो एक बार फटाफट रिकॉल कर लो, क्या जब सॉल्यूशन आपका आइडियल हो रहा था तो इस कंडीशन पे जो आपका मिक्सिंग सॉल्यूशन था, याद आ रहा है ना, लेट अस कंसीडर टू कंपोनेंट ए एंड बी, तो जो ए बी था उसके बीच का जो इंट्रैक्शन था ना, ए बी इंट्रैक्शन इज इक्वल टू ए ए एंड बी बी इंट्रैक्शन, यही तो हुआ था सर। और फिर मैंने आपको बताया था जब पॉजिटिव डेविएशन हो रहा था तो मिक्सिंग का जो इंट्रैक्शन हो रहा था ना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो इंट्रैक्शन हो रहा था वो कम हो रहा था किससे, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। बात समझ आती थी, जब इंट्रैक्शन कम हो रहा था तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा, वेपराइज होने का चांस ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा, पक्का है ना, वेपर प्रेशर ज्यादा हुई तो डेविएशन मैंने बोला था नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव की कंडीशन आ जाएगी। आज जो हम लोग को बात करनी है बच्चे, वो बात करनी है कि निगेटिव डेविएशन का, है ना। कैसा लग रहा है तुम लोग को यार, कोरोना खत्म नहीं हो रहा लग रहा है, 29 तारीख वाला मामला भी सही है ना। चलिए ठीक है, भगवान करे सब अच्छा हो। आइए, क्या पढ़ना था हम लोगों को, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दूसरा केस, केस टू। आज ये पार्ट थर्ड के फॉर्म में वीडियो आपके पास जाएगी, केस टू, सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, या कह सकते हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। एक ऐसा सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा किससे, आइडियलिज्म से, राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन लेके चलेगा। ठीक है, बड़ी आसान सी बात है यार। यहां पे आप बोलोगे सॉल्यूशन Which shows negative deviation from Raoult's law have less value of partial pressure as expected according to vapor pressure of as expected the vapor pressure according to skip it in Raoult's law। कोई दिक्कत तो नहीं है, हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट करते हैं उसके कंपैरेटिवली जो हमें मिक्सिंग का पार्शियल प्रेशर मिलता है ना, जो सॉल्यूशन की कंडीशन में केसेस चलते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। आपने बोलना है इट मींस पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए बराबर है तो आइडियल है, ज्यादा है तो पॉजिटिव है, कम हो रहा है तो निगेटिव। PB less than P not B XB, दो केसेस, PA less than P not X है, PB less than P not XB, P total less than PA plus PB, या फिर P total less than P not A XA plus P not B XB। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। ये कंडीशन आ रही जब आपका सॉल्यूशन एग्जिबिट कर रहा है कौन सा, निगेटिव डेविएशन। अब यार जब निगेटिव डेविएशन एग्जिबिट करेगा, नोट कर लेना, सबने नोट कर लिया है, निगेटिव डेविएशन एग्जिबिट करेगा तो हम ग्राफ को भी लेके चलेंगे। ओके, तो ग्राफ देखो, ग्राफ तो यार याद हो गया होगा सबको, कोई दिक्कत ही ना है। आइडियल का ग्राफ बनाओ, वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ऊपर से स्लोप जाएगा और कम है तो नीचे से। तो जब आप इसका ग्राफ देखोगे, किसमें किसमें,
मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में। ठीक, ग्राफ देखोगे किसमें किसमें, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में। तो सपोज ये मैंने ले लिया पी नॉट ए, ये ले लिया पी नॉट बी, यहां पे एक्स ए इज इक्वल टू वन, तो यहां पे एक्स बी वन, एक्स बी जीरो, एक्स ए जीरो, कोई दिक्कत तो नहीं है, तेज लिख रहा हूं आज, पूरी उम्मीद है कि सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है कि मैं करना क्या चाहता हूं। मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में ग्राफ है, याद आया। तो अभी क्या बात हुई, ये तो डिक्रीज कर रहा है, अगर ये डिक्रीज किया यानी एक्स ए घट के जीरो हुआ तो एक्स बी की वैल्यू जीरो से बढ़ के क्या हो जाएगी, वन। उल्टा चले, एक्स बी घट के जीरो हुआ तो एक्स ए बढ़ के क्या हो जाएगा, वन। पक्का ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट हो जाएगा इन दोनों का। ठीक, अभी आपको बोलना है कि ये जो लाइन है ना, ये हो गया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और ये हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अभी आपके पास ये हो गया पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ऐसा ग्राफ बना के छोड़ देता हूं तो बिहेवियर हुआ आइडियल, हमको सीखना है नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल को प्रेजेंट कर रहा है ये डार्क लाइन, ये डार्क लाइन आप इधर देखो, डार्क लाइन ये जो नीचे से जा रही है लाइन, ये नॉन आइडियलिज्म, ये नॉन आइडियलिज्म को रिप्रेजेंट करेगी। जो लाइन नीचे से जा रही है वो नॉन आइडियलिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर लाइन ऊपर से जाती तो बिहेवियर कैसा दिखाती वो आइडियल का। कोई टेंशन तो ना है बच्चे, बोलो आप लोग। अभी आपके पास बात आई कि यार हम सॉल्यूशन पढ़ रहे थे नॉन आइडियल का, तीसरा कंटेंट आज लेके चल रहे हैं। तो नॉन आइडियल में इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस दैट इन केस ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पक्का ना, हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, इट मींस दैट इन केस ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, द इंटरैक्शन बिटवीन लाइक कंपोनेंट्स is less as compared to unlike components। बहुत जरूरी बात है भाई, बहुत जरूरी बात है कि अगर हम बात करें negative deviation की, तो negative deviation में हमें बोलना है कि जो interaction हो रहा है, जो force of attraction हो रहा है किसमें, same constituents में, like constituents में, like component में, वो कम है एज कंपेयर टू अनलाइक कंपोनेंट। पक्का, तब आप बोलोगे ग्राम मिटा देना, नोट कर लिया होगा, तब आप बोलोगे देयरफॉर। अब आप इधर एक बात सोचो, अगर ऐसा हो गया, हेंस वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट, आप बोल सकते हो यहां से पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट डिक्रीज। अच्छा, काहे डिक्रीज करेगा ये भी तो जान ले यार, इसलिए डिक्रीज करेगा प्लस कि जब इंट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। अच्छा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो गया, इसका मतलब मॉलिक्यूल के एस्केप करने का चांस क्या हुआ, कम। एस्केप करने का चांस कम हो गया तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा भैया, डिक्रीज करेगा एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, आइडियल बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो हम लोग कह सकते हैं इट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, देयरफॉर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा, हेंस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, बोथ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वेपर प्रेशर मतलब उनके थ्रू जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ यहां पे लिख दे रहे तो आप कंफ्यूज हो गए, वही पार्शियल प्रेशर ही बात कर रहा हूं मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ, हेंस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट डिक्रीज एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू किसके बेटे, आइडियल सॉल्यूशन, या राउल्स लॉ, जितना हम आइडियल से एक्सपेक्ट करते हैं उसके कंपेरेटिवली वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पक्का लग, एक बार रिकॉल कर लो, बहुत अच्छे से सुन लो, कंपोनेंट मिलाया, इंट्रैक्शन सेम है, मतलब पहले और बाद का अट्रैक्शन सिमिलर है, तो कैसा बिहेवियर, आइडियल। कंपोनेंट को मिलाया, पहले और बाद का अट्रैक्शन चेंज है, तो दो केस निकल के आए, अगर अट्रैक्शन पहले वाला स्ट्रांग है और बाद वाला यानी रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वीक है तो डेविएशन कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर रिजल्टिंग सॉल्यूशन का अट्रैक्शन स्ट्रांग है, पहले वाला वीक हो गया मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट का, तो डेविएशन कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर। तो हमारे पास बात आई कि यार जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जिसमें ज्यादा होगा, अब वो चाहे इंडिविजुअल कंपोनेंट हो चाहे रिजल्टिंग सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहा हूं, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग लाइक कंपोनेंट के कंपेरेटिवली अनलाइक कंपोनेंट्स में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज मतलब कम, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम तो ऑब्वियस सी बात है उन दोनों कंपोनेंट्स का पार्शियल वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। पकड़, किसकी कंपेरेटिवली कम होगा, आइडियल सॉल्यूशन के। तो हम लोग लैंग्वेज में इसको दे सकते हैं, इतनी बात समझ आ गई ना, हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या लेट अस कंसीडर अ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल कंपोनेंट ए एंड बी, ठीक है ना, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, अब तो बात समझ आ रही होगी सबको, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए ए एंड बी बी इज लेस, देखो लाइक के बीच में अट्रैक्शन कम होगा, इज लेस एज कंपेयर टू इसके बेटे ए बी अनलाइक, ठीक है ना, हेंस पार्शियल प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन मतलब बोथ कंपोनेंट का रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीज, पार्शियल वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू आइडियल बिहेवियर, जितना हम आइडियल बिहेवियर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके कंपेरेटिवली रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कोई दिक्कत तो ना है, पक्का। अब यहां पे बात हो गई, ग्राफ का भी कंडीशन आ गया, ये भी हो गया, हमने सारी बातें बता दी हैं। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का अट्रैक्शन फोर्स जो होगा, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे, पक्का है, इतना नोट करिए। आइडियल का कंडीशन क्लियर है, नॉन आइडियल भी नोट करिए। चलिए अब देखिएगा, यहां पे तुम्हारे पास बातें क्या, एग्जांपल भी तो ले ले, अट्रैक्शन सिमिलर टाइप का हो रहा था, तो फिर आपने बोला था वो आइडियल है,
जब दो कंपोनेंट को मिला रहे थे बॉन्ड टूट रहा था, मैंने बोला था समझने की याद कर लो एक कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे तो जरूरी नहीं कि हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड, बट मेजोरिटी केसेस में, या फिर पोलैरिटी मिनिमाइज हो तो आप बोलोगे वो बिहेवियर कैसा होगा पॉजिटिव का, पोलैरिटी इनहेंस करे या हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे या पोलैरिटी मिनिमाइज हो तो कौन सा बिहेवियर बेटे पॉजिटिव डेविएशन का, हाइड्रोजन बॉन्ड बने या पोलैरिटी बढ़ जाए तो कौन सा बिहेवियर होगा निगेटिव का। इसका मतलब यहां पर अट्रैक्शन फोर्स क्या करना है, बढ़ाना है। तो आपने बोला है सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन, आप पहला ले सकते हो वाटर प्लस HNO3, ध्यान देना ये भी एक आगे काम आएगा। दूसरा आप ले सकते हो वाटर प्लस HCl, ठीक है ना। तीसरा आप ले सकते हो जब हम इनको मिला दें किसके साथ, CH3OH को CH3COH के साथ, ठीक है ना। हम लोग चौथा एग्जांपल ले सकते हैं जब एनिलीन को मिला दें किसके साथ, एनिलीन को हम लोग मिला देते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, कोई दिक्कत तो ना है, पक्का। एनिलीन को किसके साथ मिला दिया, क्लोरोफॉर्म के साथ, वाटर को HNO3 के साथ, और HCl के साथ किसको, वाटर को, ठीक है ना। तो यहां पे आप क्या देखोगे, यहां पे आप देखोगे सॉरी एसीटोन प्लस क्या क्लोरोफॉर्म, आप बोल सकते हो यार एसीटोन प्लस एनिलीन, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है ना। यहां पे आपके पास एग्जांपल हो जाएगा जब हम मिला देते हैं किसको, क्लोरोफॉर्म को डाइएथिल ईथर के साथ, बहुत सारे एग्जांपल है। अब तुम्हारे पास बात आई कि यार जब हम निगेटिव डेविएशन को लेके चल रहे हैं, इन केस ऑफ निगेटिव डेविएशन, ठीक है ना, इन केस ऑफ निगेटिव डेविएशन, पहला पॉइंट डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग लेस देन जीरो, जीरो से कम होगा, क्यों कम होगा, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर रिजल्टिंग सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इट मींस दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि एस्केप करने का चांस क्या हो गया, कम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, पक्का। दूसरा आपको बोलना है डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ऑल्सो लेस देन जीरो, क्यों लेस देन जीरो, बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड इन क्लीवेज ऑफ वीक ए ए एंड बी बी बॉन्ड इज लेस एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ए बॉन्ड बी, पक्का। बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है, बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, ए ए और बी बी का बॉन्ड कैसा है, वीक है, तो बॉन्ड वीक है बच्चे तो एनर्जी उसको ज्यादा सप्लाई करनी नहीं पड़ेगी, और ए और बी के पास क्या हुआ, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, यानी निकलने वाली एनर्जी सप्लाई होने वाली एनर्जी से ज्यादा है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मतलब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब इन दिस कंडीशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, दिक्कत तो है, इन दिस कंडीशन डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, कोई दिक्कत ना यहां तक, डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, पक्का। ओके बच्चे हो गया, चलो आगे देखते हैं। अभी आपके पास जब ये बात हो गई तो एक्सप्लेनेशन ले लो इसका। देखो आज टॉपिक आसान लग रहा होगा आप लोगों को, इसलिए आसान लगेगा बिकॉज आपने आइडियल अच्छे से पढ़ लिया है, आपने पॉजिटिव पढ़ लिया, जो पॉजिटिव पढ़ा है
उसी का उल्टा कर देंगे तो नेगेटिव। एक एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। मान लो कोई तुमसे बोलता है हाउ द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म CaCl3 शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पक्का ना? तो आप एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोलोगे? आप सीधे आओ, ज्यादा कहानी नहीं करना। आपको पता है कि एसीटोन के पास क्या हुआ? एसीटोन के पास क्या हुआ? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है। क्लोरोफॉर्म में ही ऐसा कुछ है लेकिन थोड़ा सा वीक है। अब आपने कहा कि इसका जब सॉल्यूशन लेके चलेंगे, आंसर इसका लेके चलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? व्हेन क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ, इसके साथ एसीटोन, व्हेन क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ एसीटोन देन इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड बनाएगा। अब यार स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, याद आ रहा होगा, टूटेगा तो पॉजिटिव, बनेगा तो निगेटिव। इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हेंस वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। देयरफॉर इट एग्जिबिट कैसा बेटा? नेगेटिव डेविएशन। कोई दिक्कत तो ना है क्लास? इट एग्जिबिट क्या? नेगेटिव डेविएशन। करके जरूर दिखाओ। CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहां पे चले तो H सी 1 2 3 CL, यहां पे आ रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन डेवलप होगा। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना चाहें तो 3 डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। कोई दिक्कत ना? पक्का क्लियर है? एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स कर दिया, एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स कर दिया, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और आसानी से याद कर लो, नया बॉन्ड बनेगा तो डेविएशन नेगेटिव, बॉन्ड टूटेगा तो डेविएशन कैसा? पॉजिटिव। इट्स ऑल अबाउट द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स। अब आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं इसमें, ठीक है ना? इसके क्वेश्चन आपको देखना है। सपोज करते हैं क्वेश्चन लेके चलते हैं, चलिए देखिए इधर। आप काम की बात करोगे, काम की बात ये कर रहे हैं कि मान लो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है कि दो पार्ट लेके चलते हैं, टू लिक्विड ए एंड बी मिक्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म्स अ सॉल्यूशन, ठीक है? व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन एग्जिबिटेड बाय द मिक्सचर इफ, पहला पॉइंट, इट फॉर्म्स अ कोल्ड सॉल्यूशन, दूसरा इट फॉर्म्स अ वार्म सॉल्यूशन। देन ये बोर्ड में भी आ चुका है क्वेश्चन, तुम्हारे पास आया कि दो कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ मिला दिया, मिलाने पर रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बना उससे दो केस निकल के आ रहे, एक आपका ठंडा हो जा रहा है और एक आपका क्या हो जा रहा है? गर्म हो जा रहा है। बोला है कौन सी टाइप का डेविएशन होगा, आंसर देना है। आप लोग सोचोगे कि मुझे बताना है? बोलो, सोच के बताएंगे? मैं ही बता देता हूं। आपके पास आ रहा है कि कोल्ड सॉल्यूशन बन रहा है, हीट मिली एब्जॉर्ब,
कोल्ड सॉल्यूशन, ठंडा हो जा रहा है, एंडो एब्जॉर्ब। जब आपके पास कोल्ड सॉल्यूशन बनेगा तो इसका मतलब बिहेवियर कैसा हो रहा है, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक इसका बिहेवियर है पॉजिटिव डेविएशन का। इसका मतलब कोल्ड सॉल्यूशन कैसा लेके चलेगा, पॉजिटिव डेविएशन। ध्यान कर लेना, आता है क्वेश्चन, कोल्ड सॉल्यूशन कैसा लेके चलेगा, पॉजिटिव डेविएशन। हीट निकल रही है, हीट निकल रही है तो सॉल्यूशन कैसा एग्जिबिट करेगा, नेगेटिव डेविएशन। हीट निकल रही तो सॉल्यूशन कैसा एग्जिबिट करेगा, नेगेटिव डेविएशन। तो आपने यहां पे क्या बोल दिया है, एक्सोथर्मिक का केस होगा ये, तो आपने बोला कि डेविएशन कैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन। ये दो छोटे क्वेश्चन थे, इसको ध्यान रख लेना। क्यों नेगेटिव, बिकॉज एक्सोथर्मिक। वो क्यों पॉजिटिव, बिकॉज एंडोथर्मिक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पॉजिटिव क्यों, बिकॉज एंडोथर्मिक। ये नेगेटिव क्यों, बिकॉज एक्सोथर्मिक। कोई दिक्कत तो नहीं आता, पक्का है ना बेटे, क्लियर है, चलिए नोट करें। इसी सीरीज में आपके पास एक और बात आएगी कि अरे क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, टू लिक्विड एक्स एंड वाई बॉयल्स एट 110 डिग्री सेल्सियस एंड 130 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपसे पूछ रहा है विच है हायर वेपर प्रेशर एट 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस पे किसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। विच है हायर वेपर प्रेशर एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब लेके चलते हैं इसका आंसर, कोई बच्चा बताएगा मुझे, बोलो आप लोगों में से कोई बताएगा। प्यार आसान है, एक लिक्विड है जो 110 में बॉयल कर रहा है, एक लिक्विड 130 में बॉयल कर रहा है। भैया जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वोलेटिलिटी क्या होगी, ज्यादा, और जिसकी वोलेटिलिटी ज्यादा उसका वेपर प्रेशर भी मुस्कुराओ ज्यादा हो गया। तो आपने क्या बोलना है, क्या बोलना यह है, लेस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, मोर विल बी वोलाटाइल बिहेवियर। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वोलाटाइल बिहेवियर क्या होगा, ज्यादा होगा। लेस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, मोर विल बी द वोलाटाइल बिहेवियर, हेंस। ठीक है, अब एक बात यहां पे ऐड कर सकते हो, एंड मोर विल बी क्या, वेपर प्रेशर। भैया बोलो, मोर विल बी वेपर प्रेशर, कोई दिक्कत तो ना है। क्या बोलना है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वोलाटाइल बिहेवियर ज्यादा होगा, जिसका वोलाटाइल बिहेवियर ज्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है वो वेपर प्रेशर ज्यादा लगाएगा। हेंस लिक्विड एक्स हैव हाई वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर एट 50 डिग्री सेल्सियस। पक्का है, नोट करिए इसको, जल्दी नोट करो बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, अभी रिसेंटली आया था आपके जेई एडवांस में, है ना, एडवांस में रिसेंट क्वेश्चन था ये, 2016 में आया था कि मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एट 35 डिग्री सेल्सियस आर। ऑप्शन था आपके पास CCl4 प्लस CH3OH, ऑप्शन था आपके पास CH2 कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ऑप्शन था आपके पास बेंजीन प्लस टॉल्वीन, 2016 का क्वेश्चन था ये, और ऑप्शन था आपके पास फिनॉल प्लस एनिलीन। ठीक है, ये 2016 एडवांस का क्वेश्चन है, ये चेक कर लीजिए। अगर आप नोट्स पढ़ लिए हो तो आप क्वेश्चन तोड़ सकते हो, तुरंत एक झटके में क्वेश्चन तोड़ दोगे। ठीक है,
अगर नोट्स पढ़ा तो क्वेश्चन तुरंत टूट जाएगा। तो देखो इधर आपने क्या बोलना है कि क्वेश्चन को बहुत आराम से लिखो, अगर नोट्स पढ़ा है तो छोड़ दे क्या आपके लिए, बता देना। हाँ बता दे यार, बेंजीन टॉलमीन तो एक सिरे से खारिज कर दो, सिमिलर इंट्रैक्शन। फिनॉल है, फिनॉल में अगर मैं एनिलीन मिला दूं तो मुझे लगता है कि यार हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये नहीं बना लेगा। फिनॉल का ओ और एनिलीन का NH2 का H C6H5NH2, ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये तो नेगेटिव डेविएशन करेगा, ये सिमिलर इंट्रैक्शन है तो आइडियल हो जाएगा। इन दोनों को छोड़ दो, अब बचे दो, बचे दो तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड में CCl4 मिलाऊंगा तो बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो एक तो ये वाला करेगा और एसीटोन पोलर है इसमें हम जीरो डाइपोल मोमेंट वाला कंपोनेंट मिलाते हैं तो ये भी उसकी पोलैरिटी को मिनिमाइज करेगा। मैंने कहा याद करना, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है पोलैरिटी मिनिमाइज कर रही तो डेविएशन कैसा पॉजिटिव, मल्टीपल आंसर था, दोनों आंसर सही है इसके पास। CCl4 भी सही है मेथनॉल के साथ, CH2 भी सही है एसीटोन के साथ, पक्का। अच्छा इसी सीरीज में एक क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड वाले बच्चे ध्यान देंगे क्या, जब हम उसको प्याज को काटते ना, प्याज को कटिंग ऑनियंस, कटिंग ऑफ ऑनियंस पुट इन द फ्रिज इज मोर कंफर्टेबल एज कंपेयर टू रूम टेम्परेचर। अगर प्याज है, प्याज को फ्रिज में रखा है और प्याज को हमने रूम टेम्परेचर पे रखा है, किसको काटना ज्यादा कंफर्टेबल होगा, कटिंग ऑफ ऑनियन पुट इन फ्रिज इज मोर कंफर्टेबल देन कटिंग ऑफ ऑनियन पुट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, पुट एट रूम टेम्परेचर, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन ज्यादा कंफर्टेबल होगा। ये क्वेश्चन आप देखोगे तो यार आपको एक बात मिलेगी भैया कि जब हम ऑनियन को रखेंगे तो तुम देखो इधर, तो आप बोलोगे कटिंग ऑफ ऑनियन पुट इन द फ्रिज इज मोर कंफर्टेबल देन द कटिंग ऑफ ऑनियन पुट एट द रूम टेम्परेचर बिकॉज बिकॉज ऐसा खींच रहा हूं एट लो टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ टीयर प्रोड्यूसिंग गैस जो आईज को इरिटेट करती है, टीयर प्रोड्यूसिंग गैस वेपर प्रेशर ऑफ टीयर प्रोड्यूसिंग गैस इज लेस एट लो टेम्परेचर, यानी जो फ्रिज में है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो आंखों को इरिटेट कम करेगी। ठीक है, इतना आप लोग कर लो। हम लोग अगले कंटेंट में इसी के पार्ट फोर के साथ भी आएंगे जिसमें अभी हमको पढ़ाना है जियोट्रॉप और अभी हमको कुछ क्वेश्चन कराने हैं अच्छे, ठीक है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे आता है, थोड़ा थोड़ा हम लोग कॉम्पिटिशन की तरफ पढ़ेंगे बिकॉज कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन यहीं से आएंगे, एजियोट्रॉप से और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। ठीक है यार, एक काम कर लिया करो यार, ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करो कि आप प्रीवियस वीडियो हमारे देखा करो, ठीक है ना। और भैया अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत लगता है कि यार मैं कुछ एफर्ट कर पा रहा हूं आपके लिए बेहतर, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, आगे प्रोसीड भी करिए। थैंक यू।